हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप। डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप क्या होती है, तो आइए इसको समझते हैं। ए डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप इज ए क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप जो होती है एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होता है, जो कि बेस्ड होता है डिजाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स पर। दीज वर्कशॉप्स आर एक्टिविटी बेस्ड एंड दे आर ऑफ्टन डन इन पर्सन, बट दे कैन ऑल्सो बी डन रिमोट। ये जो होती हैं वर्कशॉप एक्टिविटी बेस्ड होती हैं, ये पर्सनली और रिमोटली भी करी जा सकती। डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप आर ऑल अबाउट कोलेबरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। द एक्टिविटीज ऑफ ए डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द थ्री फेजेस ऑफ द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। जो डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप है, ये ऑर्गेनाइज करी जाती है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के थ्री फेजेस के ऊपर। फर्स्ट होता है एम्पैथी, गेटिंग द ग्रिप्स विद द रियल यूजर प्रॉब्लम एंड बिल्डिंग एम्पैथी फॉर द टारगेट यूजर एंड कस्टमर। सबसे पहले आपको जो हमारा यूजर है उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होता है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सेकेंड स्टेप हुआ आइडिएशन, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें जो प्रॉब्लम है हमारे यूजर को, जो उसको दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, इस स्टेप में हम वो करेंगे। जनरेटिंग एज मैनी आइडियाज़ एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन एंड पॉसिबल। एंड थर्ड स्टेप होगा प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग। हम जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करा है, जो हमारी यूजर की प्रॉब्लम है, उसका जो सॉल्यूशन है और उसकी अब हम प्रोटोटाइप बना के टेस्टिंग करेंगे, ये थर्ड स्टेप है। बिल्डिंग लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप ऑफ द आइडियाज जनरेटेड रेडीड फॉर टेस्टिंग ऑन रियल एंड रिप्रेजेंटेटिव यूजर। थर्ड स्टेप में प्रोटोटाइप बना के उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये है डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।